तो मैं सपना पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू हो गया। जब मेरी फर्स्ट सैलरी सिर्फ 1500 रुपये थी, तभी मुझे ठीक था कि आज 1500 कल 25,000 भी होगी, मुझे करनी कैसे ही आना चाहिए। वो मैंने जो दौरान स्टार्ट करते 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 मैंने जॉब की, जॉब से अपना बिजनेस में आया, और अपने बिजनेस से पता चला कि ऐसा बिजनेस तो कहीं था ही नहीं जो मैं आगे पीछे ढूंढ रहा था, नौकरी में या गवर्नमेंट सर्विस में या किसी आगे। जो मेरे पास है वो तो मेरे पास ही है, मैं उसी का यूज़ करूँ। और इसी को यूज़ करते करते मैंने एक्सपीरियंस लेते लेते यूज़ करते करते आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ कि आज मैं 2 से 3 क्वार्टर पे काम कर रहे हैं, 5 क्वार्टर में काम कर रहे हैं। और आज हम ये चीज़ खाना चाहते हैं अपने यूथ को कि अगर आपके पास कोई ख्वाब है या कोई काम करना चाहते हैं या कुछ माइंड है तो डरिए मत, पैसा नहीं है, हुनर है, सबसे बड़ी बात ही हुनर है। और एक चीज़ मैं कहूँ सर, आप कोई भी धंधा शुरू करो, आपको पैसे की नीड नहीं होती, आपकी खाली सोच, आपका हुनर चाहिए, पैसा अपने आप आता है। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत जुड़ेंगे। जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को निखारने वालों की कमी जरूर है, गाइडेंस नहीं है। युवा करें तो करें क्या, इस समय कई सारे युवा जो हैं वो एंजाइटी से गुजर रहे होंगे, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा है तो वो गलत कामों में इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ तो नशे करके पागल हुए घूम रहे हैं। तो मार्ग दिखाने वालों की कमी हमें लगता है कि जम्मू के अंदर है, ऐसे में किया क्या जाए। कई सरकार की तरफ से स्कीम्स निकाली गई हैं, लेकिन उसका लाभ भी जम्मू के लोग बहुत कम हमने सुना है कि वो ले पाते हैं। जिन लोगों ने लेने की कोशिश की तो वो भी सही से ग्रो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ, उससे एक एग्जाम्पल सेट हुई और युवा जो हैं, बच्चे जो हैं, वो इस दिशा में कदम बढ़ाने से डरने लगे। लेकिन जम्मू के अलावा घाटी के लोग, और हमें लगता है कि बाकी अलग अलग राज्यों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर लोग अच्छे से, युवा जो हैं वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जम्मू के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। ऐसे लगभग आज से 7-8 महीने पहले हमने अगस्त में बात की थी विजन ऑटोमोबाइल के जो एमडी हैं उनसे, अश्विनी कुमार से। आज दोबारा उनसे बात करेंगे और तब उन्होंने बताया था कि ये रोजगार दे सकते हैं, बता भी सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपको ग्रो करना है, बिजनेस किस तरह से करना है, बिजनेस करने की टेक्निक्स क्या क्या हैं, क्या आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए, ये सब। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, अगर आपको जॉब चाहिए तो वो भी ये दे सकते हैं। इनके बारे में हम आपको बताएं, विजन ऑटोमोबाइल जो है हर तरह की कार रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, ये सब जो है छोटी कारों से लेकर बड़ी कारों तक, लग्जरी कारों तक, ये सब यहाँ पर होता है जम्मू शहर में ही, और ये गाइड करने के लिए भी तैयार हैं। ये कहते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमारे पास आए, हम आपको बताते हैं, पैसा भी हम लगाएंगे, आप बिजनेस करें, गाइड भी करेंगे। इनसे बात करेंगे। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ, हमने इससे पहले भी एक साक्षात्कार आपसे किया था जी, और उस दौरान आपने बताया था कि आपका बिजनेस जो है वो किस तरह से आप कर रहे हैं और तब से लेकर अब तक क्या ग्रोथ है। सर देखिए, मार्केट के हिसाब से तो ऑलमोस्ट हम हर साल के 20-25% ग्रोथ लेते हैं मार्केट के हिसाब से, और इस मंथ भी हमने वैसे ही जैसे हम लगातार करते आ रहे हैं तो 20-25% ग्रोथ ले लिया मार्केट में बैठ के भी। लोगों के साथ बहुत सारे ह्यूमर्स है, सर कंपटीशन में काम नहीं होता, बट हम कहते हैं सर कंपटीशन में ज़्यादा काम होता है। सबसे बड़ी बात जो है कि आप क्वालिटी कैसे देते हैं, आपकी सोच निर्भर क्या करती है, उस हिसाब से हम काम करते हैं अपनी टीम को लेके, और आगे जो 20-25% ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली आपकी आती है। मतलब तब से लेकर अब तक डिफरेंस आया है। जी जी जी, डिफरेंस सर बहुत सारे हैं, हमारे नए काउंटर आउटलेट जो हैं वो ओपन हुए हैं, कुछ रूरल एरिया में, कुछ सिटी में जाके ओपन हुए हैं, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है वो मेन मोटिव यही है कि जो नए यंग, जो नए युवा है उनको इंक्रीज कैसे किया जाए। देखिए हमारे जम्मू में तो स्कीम्स बहुत सारी है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बट समझाने वाला और उनको राह दिखाने वाला बहुत सारे कम है। हमारे टाइम पे भी कुछ ऐसा था कि हमें भी किसी ने गाइड नहीं किया था और कुछ ऐसे राह नहीं मिला जिस पे चल पड़े,
और आज हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं मार्केट में स्टैंड हैं, जो हमारे साथ हुआ वो नई युवा के साथ मत हो, और उनको हम इंक्रीज करें कि गवर्नमेंट सर्विस का जो भाग रहे हैं, क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी अच्छी है, किसी ने MBA की है, किसी ने PhD की है, किसी ने BTech की है, बट वो आज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस का वेट कर रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही थी तो हमने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें तो हम एक BTech लड़का मिला, काफ़ी अच्छी परसेंटेज, 99% वो बंदा पास आउट हुआ है, पर एक साल से घर बैठा है ड्यू टू रीजन कि वो जॉब का वेट कर रहा है। सर मैंने इतने सारे फॉर्म अप्लाई किए हैं पर उसको जॉब ही नहीं मिल रही। अच्छा तो मैंने जब उसको कारण पूछा, कहता सर मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं गेस्ट पोस्ट जाना चाहता हूँ। तो मैंने दिमाग में स्टिक किया, मेरे दिमाग में कि ऐसे कितने बच्चे और होंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, कल को जॉब नहीं मिले तो घर बैठेंगे, तो क्यों ना हमें आज मेरी तरफ से ही पहल क्यों ना हो कि हम इसको आगे लेके जाएं। तो मैंने इसलिए ये जो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के साथ साथ इनकी भी इंक्रीज बीच में डाल रहा हूँ कि ताकि ये लोग जो है अपने अपने आप को पहचाने और अपनी एक पहचान जम्मू कश्मीर में रखें, ताकि उसी से आगे वाली जनरेशन है और इंक्रीज और इंप्रेशन होके बिजनेस को आगे लेके जाए। विजन क्या है, किस तरह से आप अपने बिजनेस को और इन बच्चों को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि कैसे ग्रोथ करनी है? सर देखिए, सबसे पहले तो आपका बच्चा या आपका युवा किसी प्रकार के में भी वो काम सीख रहा है या कर रहा है या पढ़ रहा है, तो सबसे पहले उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, कौन सा बिजनेस करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाए, वो चाय का बिजनेस करे, सेल्समैन का बिजनेस करे, रेडीमेड शॉप खोले, किराने की शॉप खोले, किसी चीज का मैकेनिक का काम करे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है, जो उसके माइंड क्या समझता है, क्या सोचता है। अगर हमारा माइंड ये सोचता है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, तो वो डेफिनेट कमा सकता है। अगर वो सोचेगा कि सर मैं 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता, तो वो 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता। सारी की सारी आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आपका ऑस्टमोस पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास कौन से लोग हैं, कौन से लोग रहते हैं जो आपकी दिमाग में ये डालते हैं कि आप किस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। मान लो जम्मू के अंदर ज्यादातर लोग तो नेगेटिव है, कोई नशे कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वो क्या डायरेक्शन देंगे, तो ऐसे में ये क्या करें लोग? देखिए सर, बड़ा बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि 90% यूथ हमारा नशे की तरफ जा रहा है। देखिए अब मैं आपसे एक चीज बताऊं, नशा हर चीज का है, हमें भी नशे करने की आदत है, आप में भी होगी। जरूरी नहीं है कि नशा आप किसी ड्रग से लेके करो, मेरे को नशा मेरे काम कह सकता है, आपको नशा आपकी रिपोर्टिंग के साथ है, ऐसे हर बंदे में नशा है। आप जो देखो, जो बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, हम उसको एकदम से बोलते हैं कि अपने आप को स्टिमुलेट कर दे, वो कर नहीं पाएगा। तो हमें उसके माँ बाप के साथ लेके, उसके फ्रेंड्स के साथ लेके, उसको हल्के हल्के गाइड करना है कि बेटा तुम्हारी आगे तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे में भी अरमान होंगे कि सर मैंने जॉब करनी थी, मैंने मेरे पास पैसा चाहिए था, मेरे पास गाड़ी चाहिए थी, मेरे पास अपना कार होनी चाहिए थी। तो वो चीज उसी पॉइंट को आगे लेके जा सकते हैं। देखिए जब भी कोई बच्चा रोता है तब जाके उसको दूध दिया जाता है, ना कि उसको पहले देते हैं। सेम इसे आप, आपका बच्चा नशे कर रहा है, आप उसको पूछो, ख्वाहिश उसकी भी होगी, वो कहता है पापा मुझे को गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। ठीक है बेटा बाइक देते हैं, उसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हो, ये पूछो। हाँ जब वो सवाल पुट करेगा और जब आपका सवाल मिलेगा, तब जाके उसके दिल में दिमाग में चोट लगेगी, बेटा अगर मैं ये चीज पहले करता आदमी इससे जरूरी है। तो उसी टाइम उसका दिमाग स्टैंड करेगा और उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। कई बार हमने देखा है कि जो लोग बचपन से ही जिनके वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है वो काम करने लग जाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। हो सकता है स्टडी में उतने बेहतर ना हो, उन्होंने कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिए हो, लेकिन वो डिग्री डिप्लोमे वाले से तो ज्यादा बेहतर होते हैं, कई बार हमने देखा है। राइट राइट। देखिए सर क्या होता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे माँ बाप ने अच्छे स्कूल में मेरे को पढ़ाया, बट ड्यू टू रीजन किसी प्रॉब्लम कारण मैं आगे पढ़ नहीं पाया। बट जब मैं अपने स्कूल जाता था तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, हाई स्कूल था तो मेरी जो प्राइमरी सूची है वो अच्छे स्कूल में हुई है, जितना मेरा बैकग्राउंड स्कूल में था तो वो भी अच्छे स्कूल में था। उनके जो लड़के थे, कोई बाइक लेके आ रहा है, कोई कार लेके आ रहा है, तो मेरे में भी ये चीज़ थी कि यार मेरे पास बाइक कब आएगी, मेरे पास कार कब आएगी, बट एक सपना था कि आएगी आएगी कभी ये पता नहीं था। और ये आनी तब भी थी जब मैं पढ़ता, जब मैं लिखता या मैं आगे कुछ करता, तो मैं पढ़ाई तो कर नहीं पा रहा था पर मुझे सपना पूरा करना है। तो मैं सपना पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू हो गया। जब मेरी फर्स्ट सैलरी सिर्फ 1500 रुपये थी, तभी मुझे ठीक था कि आज 1500 कल 25,000 भी होगी, मुझे करनी कैसे ही आना चाहिए। वो मैंने जो दौरान स्टार्ट करते 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 मैंने जॉब की, जॉब से अपना बिजनेस में आया और अपने बिजनेस से पता चला कि ऐसा बिजनेस तो कहीं था ही नहीं जो मैं आगे पीछे ढूंढ रहा था नौकरी में।
या गवर्नमेंट सर्विस में या किसी आगे, जो मेरे पास है वो तो मेरे पास ही है, मैं उसी का यूज करूँ। और इसी को यूज करते करते मैंने एक्सपीरियंस लेते लेते यूज करते करते आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ कि आज हम 2 से 3 काउंटर पे काम कर रहे हैं, 5 काउंटर में काम कर रहे हैं। और आज हम ये चीज़ खाना चाहते हैं अपने यूथ को कि अगर आपके पास कोई खाब है या कोई काम करना चाहते हैं या कुछ माइंड है तो डरिए मत, पैसा नहीं है, हुनर है, सबसे बड़ी बात ही हुनर है। और एक चीज मैं कहूँ सर, आप कोई भी धंधा शुरू करो आपको पैसे की नीड नहीं होती, आपकी खाली सोच, आपको हुनर चाहिए, पैसा अपने आप आता है, अपने आप आता है। जरूरी नहीं कि आप 5 लाख लगा के काम शुरू करो, जरूरत नहीं है। आप 10,000 10,000 शुरू करो, 5,000 5,000 शुरू करो, शुरू तो करो। किसी भी बिजनेस को जैसे आप बता रहे हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है, तो अगर मान लो कोई आपसे आके मुलाकात करता है तो किस तरह से आप उनकी हेल्प करेंगे? सर देखिए, हमारे आपकी दया से, लोगों के प्यार से विजन ऑटोमेटिक का नाम चलता है मार्केट में, आपके नीचे दे गए नंबर भी अपसे होंगे, तो आप अगर हमसे कॉन्टेक्ट करता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसका पैशन क्या है, हम उसका पैशन देखते हैं, उसका अपना शौक क्या है, शौक देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें काम करते हैं। मैं जैसे पहले कहा, आप कहीं हमारे फील्ड ले लो या मैं किसी फील्ड ले लो, तो अगर उसकी एक्सप्रेशन या उसका माइंड है कि मैं 1 लाख रुपये महीना कमा सकता हूँ, सर वो 1 लाख रुपया कमा सकता है। अगर वो सोचता है कि सर मैं स्टार्टिंग 20,000 से शुरू करूँ, डेफिनेट 20,000 शुरू करो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि धंधा स्टार्ट करने में आपको पैसा नहीं चाहिए, आपके पास 2,000 है 2,000 लगाओ, 5,000 है 5,000 स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो। और बिजनेस करने में सिर्फ 2 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो सबको करना पड़ता है, आपको टिकना पड़ता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, छोटा करो बड़ा करो, कम से कम आपको 2 साल उसमें देने हैं। अब 2 साल में अगर आप 1 रुपए सेल करते हो तो 1 रुपए दोबारा डालो, 100 रुपए सेल करो तो 100 रुपए दोबारा डालो, 300 सेल करते हो 1,000 से दोबारा डालो, उसमें निकालोगे नहीं पैसा। आपकी जितनी नीड है 2,000 5,000 10,000 वो आप अपनी सैलरी समझ के निकालो, बाकी नहीं डाल दो। जब वो 1-1 रुपया 100-100 रुपया आपके बिजनेस में जाएगा, 2 साल में जितना आपने लगाया होगा सर, 100% गारंटी है कि वो डबल से ट्रिपल हुआ होगा। जब डबल हुआ होगा, ट्रिपल हुआ होगा, तो आपका ऑटोमेटिक जो सीना चौड़ा होगा कि मेरे पास आज अपना इतना पैसा है। पहला कहते हैं 1 लाख रुपया इकट्ठा करने में टाइम लगता है, दूसरा ऑटोमेटिकली होता है। ये सेम चीज है, अगर आपने 10 रुपये लगा के बिजनेस 100 रुपये का कर दिया तो अगले साल ऑटोमेटिकली वो 20 रुपये का बनेगा। ये सारे फंडे हैं बिजनेस के। अब बात आती है कि हर लड़का, हर बंदे की सोच वैसी भी नहीं होती, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई लिखने में तेज होता है। थ्योरी सेम रहेगी, मैटर सेम रहेगा, सिर्फ अपने आप से पूछना है कि मुझे किस रास्ते जाना है, मुझे अपने ख्वाब और शौक पूरे करने हैं या मुझे उनके साथ जाना है जहाँ मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में 97% बच्चा ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो स्टार्ट तो कर देता है नशे ऐप को, बट उसे छूट नहीं पाता। हम भगवान के फरिश्ते तो नहीं है छुड़ा सकते हैं, बट हमको सीधे रास्ते दिखा सकते हैं किस रास्ते पे चलना है। तो कई बार बिजनेस में जैसे आप कह रहे हैं कि शुरुआत तो चलो जिनके पास पैसा नहीं, कहीं उनके पास पैसा भी है। जी, तो ज्यादातर मार्केट में जिन लोगों के पास पैसा है वो डूब भी जाता है, उसका क्या कारण है? देखिए सर, डूबना, मैं ये नहीं कहता, हमें भी लॉस हुआ है, हमें भी स्टार्टिंग जब मैं 20 लाख रुपये का लॉस हुआ, और 20 लाख रुपया हम मीडियम क्लास की छोटी अमाउंट नहीं होती। बट मैं वही आपसे पहले कह, सोच मैटर करती है, आपका विजन मैटर करता है। अगर मैं 20 लाख लेके बैठूंगा तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। भगवान ने हमें एक सबसे खूबसूरत चीज दिया, तो दिमाग दिया, दिमाग इतना भरपूर दिया है कि आप कई 20 लाख रुपये कमा सकते हो, कई 1,000 करोड़ रुपये कमा सकते हो, पर आपका विजन और सोच चाहिए। आज मैं बोलता हूँ मेरा 20 लाख रुपये नुकसान हुआ, हुआ, बट मैंने 20 लाख को रिकवर भी किया, मतलब हार ना माने, कोई हार नहीं मानी, रिकवर भी किया, और आज कई 20 लाख रुपये मार्केट में लगे हुए। अगर आप बोलोगे सर मैं 20 लाख लगा के मेरे डूब गया तो मैं खत्म हो गया, एक मैं बताता हूँ, जब भी कोई बिजनेस खड़ा करते हो आप, तो बिजनेस के कुछ रूल्स है। जब आपको फंडिंग चाहिए, आपने 0 से स्टार्ट किया, अब आपको पैसा चाहिए किस लिए, आपने बिजनेस खड़ा करना है या बिजनेस बड़ा करना है। बिजनेस बड़े के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस खड़े के लिए पैसे चाहिए आपको। बिजनेस आपने अपनी मेन से 10-20 रुपए या 2 लाख 3 लाख लगा लिया, आपका बिजनेस चल रहा है, आपको पता है मेरा बिजनेस चल रहा है, अब उसको बड़ा करना फिर पैसा चाहिए आपको। जी, पर मार्केट में पैसा तब लेना चाहिए जब आपके पास ऑलरेडी पैसा हो, क्योंकि जब आप किसी फाइनेंसर के पास, किसी बैंक के पास जाते हैं ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि सर मैं इतने का बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इतना करना है, मुझे और लोन दो, फिर आपको बैंक भी सपोर्ट करता है, आपके दोस्त यार जो है वो भी सपोर्ट करता है कि यार बंदा बिजनेस कर रहा है उसको पैसा है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आप उस टाइम फंडिंग रेज करोगे तो फंडिंग होएगी नहीं,
क्योंकि अगला वाला सोचेगा ये ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, इसको पैसा दूं पैसा डूब जाएगा। तो ये बिजनेस के कुछ मेथड्स हैं, आपको फंडिंग या आपको रेज जब करना है जब आप ऑलरेडी पिच में खड़े हो, ना कि पहले से लेके हो। जब भी हम डूबते तब जब हम पहले से पैसा लगाते हैं। देखिए मेरा बिजनेस अभी 200 एक मतलब 1 CR का काम कर रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से 2 CR लगा दूँ तो मैं नेचुरल डूबूंगा ना। मुझे देखना है कि मेरा बिजनेस कितने साल में टर्न ओवर कर रहा है, तो मुझे हल्के हल्के उसको ग्रोथ अप देनी है। जितना अगर मेरे को जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो मैं 1 लाख लगाऊंगा ना, मुझे 2 लाख लेने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, बिजनेस खोला 10 रुपए का और लगा दिए 200 रुपए, तो 200 लगाते हैं तो वर्ड किस बटन किस पे आएगा, बिजनेस पे आएगा। वो बिजनेस पर जब बढ़ आएगा, आपको EMI देनी है, आपको रेंट देना है, आपको सैलरी देनी है, वो कहाँ से जाएगा, आपने जो एक्स्ट्रा इनकम रखी। जब एक्स्ट्रा इनकम रखोगे तो नेचुरली वो लूज आएगा। देखिए हमारे में क्या है, पैशन बहुत है। मेरी सैलरी 8,000 है, मैंने आईफोन रखा। मेरी सैलरी 7,000 है, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ। क्यों कर रहे हो भाई साहब, आप किसको दिखाना है, दिखाओ जब दिखाने काबिल हो जाओ। सही गाइडेंस भी नहीं है लोग, राइट सही गाइडेंस नहीं है, आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। हमेशा कोई भी काम करो पहले एक्शन प्लान बनाओ, उसके पॉइंट रखो, मैं 1 साल में ये करूँगा, 1 साल में दो साल में ये करूँगा, 3 साल में ये करूँगा, उस पर चलो। ऑटोमेटिकली आपके विजन क्लियर होते जाएंगे, आपको रास्ते मिलते जाएंगे और आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। काफ़ी लंबे समय से आप इस इंडस्ट्री में हैं, शहर में देखते हैं कि किस तरह से क्या ग्रोथ हो रही है और क्या प्रॉब्लम है। कभी आपने ये देखा कि घाटी में, घाटी के जो युवा हैं और जम्मू के युवाओं में क्या कमी है, और जो सरकार बेनिफिट दे रही है तो उसका लाभ कौन ले पा रहा है? सर देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ये आपकी बात सही है, हमें भी नहीं पता था जैसे हम इस फील्ड में, हमें पता चला क्योंकि 90% लोग हमारे फेसबुक तो चलाते हैं पर गवर्नमेंट स्कीम्स देखते नहीं, अखबार तो पढ़ते हैं, राशि पढ़ते हैं और या ताजी माजी खबर पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बाकी तो पढ़ेंगे नहीं। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जब आपको स्पॉन्सर दे रही है कि आपके पास कुछ नहीं है, चाहे वो रूल देखो स्कीम तो सबके लिए है, गवर्नमेंट आपको कम ब्याज पे इंटरेस्ट लोन दे प्रोवाइड कर रही है, आपको सब्सिडी दे रही है, अगर आपके पास EMI नहीं है तो आपको सब्सिडी होती है, मतलब एक किस्म से आपका इंटरेस्ट माफ है। मानो कि आपने 10 लाख रुपये लोन लिया, आपको सब्सिडी रूरल में 45% सब्सिडी है सर, सिटी में 25% सब्सिडी है, तो अगर 10 लाख लोन लिया आपको 4.5 लाख तो माफ हो गया। अगर आपका 5 लाख का लोन, 5 साल के लोन है, तो आपको इंटरेस्ट जो लगा उससे साल तो आप सब्सिडी ले चुके हो, वो तो लोन माफ हो गया आपको, बट आपको अवेयरनेस नहीं है किसका दरवाजा खड़खड़ाना है। हम जाते हैं बैंकर के पास, उतनी बड़ी लिस्ट देता है, सर आधार कार्ड पैन कार्ड ले आओ, ITR ले आओ। मेरे भाई अगर उस पास ITR होती तो बिजनेस पहले खड़ा नहीं कर दिया होता। आपको रास्ता चाहिए, आप जाओ, आप गवर्नमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट है KYC करके, DIC करके, वहां अपडेट करो। नहीं समझ आ रहा है इससे पूछो, इनके ऑफिस जाओ, और ऑफिस इतना अच्छा सर इनका ऑफिस है, जो उनके पीओ ना सर वो भी गाइड करता है, क्योंकि मैं खुद गया हूँ। किनके ऑफिस? DIC का ऑफिस है, KYC का ऑफिस है, इनके जो पीओ है ना वो भी गाइड करते हैं कि सर ये फॉर्मेलिटी लो, ये अप्लाई करो फॉर्म। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, अगर ऑनलाइन नहीं आता है, मेरे भाई कुछ कम पढ़े लिखे हैं तो ये मेरे से रब्ता कर सकते हैं, या सीधे इनके ऑफिस चले जाएँ, ऑफिस में फॉर्म ऑनलाइन फिल करें, वो विद इन 15 से 20 डेज में इनकी फाइल पूरी तैयार हो जाती है बनके, और वो फाइल जाती है फिर बैंक में, उसमें फिर बैंक आपके साथ कंप्रोमाइज करके वो लोन सैंक्शन करता है। जैसे 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 इसकी काबिलियत है उस प्रकार का लोन होता है। तो आज की डेट में बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। और ये जो लोन वगैरह ले रहे हैं जम्मू के भी लोग ले रहे हैं कि सारे कश्मीर के लगे हुए हैं? सर देखिए अभी तक जो रिपोर्ट आई है 90% तो श्रीनगर सब्सिडी इंक्रीज हुई है, हमारे जम्मू की जगह से 10% ग्रोथ है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी मैं अपना लोन ही अप्लाई करने के लिए गया था, मुझे क्योंकि मैंने देखो मेरे को शौक है मैं बिजनेस एक्सपेंड करूँ, और मैं अप्लाई नहीं करता अपनी टीम के लिए करता हूँ, तो मैंने बिजनेस अपना करना था, तो जब अगर मुझे बैंक भी लोन देता है, बैंक भी लोन आराम से देगा, क्योंकि हमारा जो अकाउंट स्टेटमेंट अच्छी है। बट कहना अगर गवर्नमेंट आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको कोई स्कीम लाभ दे रही है, तो आपको लाभ उठाओ ना। आज भी मैंने अप्लाई किया, मुझे उसमें सब्सिडी मिलनी थी, तो मैं पहले उसको अप्लाई करूँगा जो मुझे गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। तो मैंने वहाँ गया तो मैंने उनके GM से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा, कहता अश्विनी सर अगर आपके साथ वो आपकी टीम में कोई बंदे हैं तो उनको लोन अप्लाई कराइए, चाहे किसी क्षेत्र में भी हो। आपको अपना रेडीमेड की शॉप खोलनी है, किराना शॉप खोलनी है, किसी भी काम खोलने के लिए आप उनको बोलो, हम लोन देंगे प्लस सब्सिडी के साथ। तो जब गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंसी दिखा रही है तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? हमारे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बस किसी और काम में लगे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट की सर्विस के पीछे भाग रहे हो, आप थोड़ा सा अपने आप में देखो, आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। गवर्नमेंट सर्विस भी ठीक है,
पर देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो सर्विस कितनी है, तो क्यों ना हम अपने सरकार को योगदान दे। आप जब टैक्स दोगे वो टैक्स घूम के आपके पास आता है ना, तो अपना योगदान सरकार को दो ताकि सरकार आपको फिर दोबारा बेनिफिट दे। आप 10 लाख लोन लेते हो, 20 लाख लोन लेते हो, आपको सब्सिडी इतनी है कि आपका इंटरेस्ट ही माफ है, इससे ज्यादा कौन करेगा। आप अपने रिश्तेदार से पैसे लेके बताओ मेरे को, या अपने पापा को बोलो सर मैंने काम खोलना मुझे 1 लाख दो, वो भी 10 बार सोचेगा यार पता नहीं ये चला पाएगा नहीं चला पाएगा, होता ना। पर आपको गवर्नमेंट बिना गारंटी के बिना मॉर्गेज के आपको लोन दे रही है, इसका क्या मतलब है कि सरकार हमारे साथ है, युवा के साथ है, बट हमें फायदा लेना नहीं आ रहा है। विजन ऑटोमोबाइल की अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप किस तरह से हेल्प करते हैं? सर हम बिल्कुल मार्केट में ओपन बैठे हैं, क्योंकि देखिए और भी सारे मॉडल्स फ्रेंचाइज के लिए बैठे हैं। हमने ये जो मॉडल तैयार किया है बड़े सोच समझ के, बड़े डायनेमिक बैठ के किया, हमारे जो जितने भी हमारी कॉर्पोरेट टीम है, हमारे अकाउंटेंट्स है, हमारे डिजाइन किया है। क्योंकि देखिए हर बंदे की बस की बात नहीं है इतना सारा पैसा लगाना, और हर बंदे की बात नहीं कि वो इस एक्सपीरियंस का हो, क्योंकि मेरे को तो मैं 22-23 साल इस फील्ड में रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो, तो हम उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करवाते हैं। उसमें उसको जितनी उसकी इनकम सोर्सेज खर्च सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 5-10 लाख खर्चे, तो हम तो मेरा बड़ा सेटअप है, उस पर डिपेंड करता है वो कितने से स्टार्ट करना चाहता है। देखिए मैं ये भी नहीं कहता कि सारे पैसा हम लगाते हैं, सारा पैसा हम लगाएगा वो बंदा काम नहीं करेगा, उसे लगेगा पैसा तो कंपनी का लगा, डूबे तो डूबने दो। क्योंकि जब मेरा जेब से 50 रुपये लगेंगे ना सर, तो मैं 50 का 100 करने की कोशिश करता हूँ, आप भी करेंगे मैं भी करूंगा। जब अगला बंदा जो नई जनरेशन है वो अगर 100 रुपया 200 रुपया या 10 हज़ार 20 हज़ार लगाती है, तो हमका उसका स्ट्रक्चर उस हिसाब से खोल के देते हैं। हमारा जो जम्मू में मेन प्लस पॉइंट है वो है कैशलेस टाइप का, हमारा पूरा J&K इंश्योरेंस कैशलेस टाइप है। आपके पास भी गाड़ी, आप भी प्रोवाइड करते हैं मेरे जेब से पैसे कम लगे, मेरा क्लेम मिल जाए। आजकल हर बंदे की नीड है, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन तो है नहीं, तो कैसा सर्विस चाहिए। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठा होगा हम उसको अपना ऑथराइज करेंगे, उसकी फॉर्मेलिटीज जो हमारा एग्रीमेंट है वो साइन करेंगे, प्लस उसके बिना पैसे उसका काम स्टार्ट कराएंगे, बिना पैसे। बिना पैसे पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं ले रहे, मतलब जितनी उसकी उसकी पॉकेट में होंगे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 1 लाख रुपये वो लगाना जरूरी है ताकि वो लगाना थोड़ा पेन करके काम पेन करे। करके काम करे। देखिए ऐसा नहीं है, मैंने कई सारे लोगों को टैलेंट देख के मैंने फाइनेंस भी किया, उसको उसकी वर्कशॉप भी खोल लिया, अच्छे ग्रो कर रहे हैं, पर आप सर पे सर ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ लड़का कैसा है, आप उसका सोच कैसी है, वो कैसे डिसाइड करोगे। कहते हैं जब किसे चलते हो पता फिर चलता है, तो हम एकदम से उस पर लोड डालते नहीं है। अगर मैं बोलूँ सर मैंने बिल्कुल फ्री अप कर दिया, वो बंदा ग्राउंड में उतरेगा नहीं, क्योंकि वो कहता है ना जैसे बाप ने अपने बेटे को लॉलीपॉप दे दिया, उसने एफर्ट तो किया नहीं, बाइक दे दिया एफर्ट तो किया नहीं, तो टूटेगा, एक्सीडेंट होगा, बाप होगा, मेरा होगा। ये चीज़ है बिजनेस में भी, तो आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ शेयर लगाना है। आप 1% लगाओ, 99% शेयर में लगाता हूँ आपका बिजनेस खड़ा करने में, और फिर बिजनेस ग्रोथ करेगा। पर एक ही मेरी शर्त है, मैं किसी को बताता हूँ कि अगर आप बिजनेस में बैठोगे तब बिजनेस खोलना, ऐसे नहीं खोलना, क्योंकि बिजनेस का उस रूल है, अगर मैंने पहले कहा कि आपको 2 साल मिनिमम बिजनेस को देने हैं, 2 साल तक आप कोई और दिमाग में सोच नहीं रखना, तभी हमारे साथ जुड़ो। यहाँ बहुत सारे हैं सर मेरे पास ये पैसा है, मेरा ये बिजनेस है, हम उसको देते नहीं है, क्योंकि मतलब वो कर नहीं पाएगा। जब वो चेयर पे बैठेगा नहीं, अपने दुकान पे, अपने वर्कशॉप में या अपने गोदाम में बैठेगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि बिजनेस का ग्रोथ क्या है। बैठेगा भी तो बैठेगा नहीं, बताएगा मेरा वो गोदाम है वहां दारू पिएगा, उधर अपनी वो बना रहा होगा, लीडरी कर रहा होगा, लीडरी करोगे, और बाकी जो मेन पावर है वो चारी देख रही होगी हमारा कहाँ है सोर्सिंग। मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लंबे समय से बिजनेस में और ग्रो भी कर रहे हैं, जी कई जी सारे कंपनीज जो है वो ग्रो नहीं करती हैं, वो टूट जाती हैं, जी जी उसका कारण क्या है? जो उनका अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ कोई वो गलत व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं वो? सर देखिए ये हमारे में ये परेशानी हमें भी आई है, क्योंकि हमने खुद डायग्नोज किया कि हमारे जम्मू में मैन पावर की बहुत सारी कमी है। रीजन क्या है सर कि देखिए कि मैन पावर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, और हम जैसे लोग मैक्सिमम पूरे नहीं करते हैं, बट ये हम ये मद्देनजर रखते हुए हमने इसको चेंज किया। मैं ओपनली कहता हूँ कि मेरा वर्कर आप तोड़ के दिखा दो, टूटेगा नहीं सर, क्योंकि हमने डिज़ाइन इस तरह से किया है। देखिए हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि सर मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास 2 व्हीलर हो, मेरे पास फैमिली सोर्स इनकम हो, मेरे पास सिक्योर इनकम हो। जो बच्चा घर से एक उसकी मम्मी पापा या उसकी वाइफ उसके घर में टिकी या पीछे खाने वाले हैं, और एक बंदा सोर्सिंग इनकम है, मानो वो आज बीमार हो जाता है उसकी सेफ्टी क्या है? प्राइवेट सेक्टर में है नहीं, उसका एक्सीडेंट होता है उसकी सेफ्टी क्या है? उसका PF नहीं कट रहा है, उसका ECS नहीं कट रहा है, सेफ्टी का हम उस पर नज़र रखते हैं। जो हमारे पास ज्वाइन करता है हम 3 महीने तक उसका वॉचिंग करते हैं कि 3 महीने तक वो कैसे परफॉर्मेंस करेगा, वो अगर वहाँ से कंटिन्यू करता है तो हम सबसे पहले उसकी पॉलिसी इंश्योरेंस करते हैं, ताकि एटलीस्ट वो 5 लाख की इंश्योरेंस हो, हेल्थ सिक्योर हो जाए।
उसके परिवार में कुछ हो तो वो एटलीस्ट 5 लाख तक, वैसे भी गवर्नमेंट ने तो आजकल स्कीम दी है, पर उसके अलावा हम 5 लाख इंश्योर करते हैं। दूसरा, उसको हर साल इंक्रीमेंट देते हैं, ये हर साल जैसे जैसे परफॉर्मेंस करेगा इंक्रीमेंट लगना लगना। उसके साथ उसका इंसेंटिव पोर्शन भी होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। अगर वो एक साल में हमारे पास 1 लाख का मानो काम करता है, उसमें से 10% उसका शेयर भी है सैलरी के साथ साथ, तो एक उसको हैंडसम इनकम मिल रही है कि यार अगर मैं 2 साल 3 साल टिकता हूँ तो मेरा 3 साल के बाद एग्रीमेंट कितना होगा, और मैं 2 साल काम के 2 साल में मुझे एग्रीमेंट कितना होगा, उसके बाद मेरा पीएफ कितना होगा, मेरा ईसीएस कितना होगा, मेरी इंश्योरेंस कितनी है, वो सब चीज़ काउंट करता है। जब उसकी फैमिली बैकग्राउंड रिलैक्स फील करेगा ना सर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ दिल से जुड़ेगा। जब एम्प्लॉय आपसे दिल से जुड़ता ना, तो फिर आप अपने ऑफिस में बैठो ना बैठो, आपका एम्प्लॉयज आपकी रोल प्ले करता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये रीजन है मैनपावर ढूंढने का। क्योंकि हम लोग तो एज ए बॉस काम तो करते हैं पर अपने पीछे नहीं देखते। हमने इसको जो मॉडल तैयार किया इसलिए किया, जो आज हमारे पास 7-8 साल से काम कर रहा है, जब वो 10 साल का होगा सर, तो उसकी एज का भी इफेक्ट पड़ेगा, उसकी इनकम भी बढ़नी चाहिए, तो इनकम कहाँ से बढ़ाएंगे? तो क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो कि उसी को हम उसी की वर्कशॉप खोल के दें, जिसकी उसका एक्सपीरियंस था कि बेटा आप भी काम करो और अपने परिवार भी खुलाओ और हमें भी खुलाओ। मैं जब उसे लगे कि एक समय आता है, जब उसे लगता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, उस समय आप ही उसे उसका बिजनेस स्टार्ट उसको हेड बना दें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, उस समय उसको निकाल देते हैं। नहीं करती, राइट सही होते। देखो मैं एज ए जनरल जीएम मैंने पोस्ट में काम किया, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट में मैंने काम किया है, और मेरे पास लखनपुर से लेके लद्दाख तक एरिया था। और एक टाइम आता है जब आपका एक हैंडसम इनकम होती है लाख, देखो आज के डेट में जीएम की सैलरी 1-1.5 लाख रुपये तो होती है, जब आपका 1 लाख रुपये होती है तो कहीं ना कहीं वो 1 लाख रुपये चुपता है कि भैया आप इसको हटाओ, नया जीएम 1.5 लाख रुपये ले आओ। पर आप ये नहीं सोचते कि जो बंदा 1 लाख रुपये कमा रहा है, वो आपको धंधा भी तो 1 करोड़ रुपये करके दे रहा है, क्योंकि उसने 7 साल आपकी कंपनी में गुजारे, उस 7 साल में अंपायर बनाया उसने, कस्टमर से रिलेशन बनाया, आपके साथ रिलेशन बनाया, कंपनी से रिलेशन बनाया, वो सारे मिट्टी कर दिया आपने। अगर वो 1 लाख ले रहा डिजर्व इट है, क्योंकि आपकी उस टाइम कंपनी भी 50 लाख रुपए काम कर रही है, आज कंपनी भी 1 करोड़ का काम कर रही है। जो नया बंदा हायर करो वो हायर तो हो जाएगा, आपने 40,000 तो बचा दिया, वो 40,000 कहाँ कहाँ लॉस करके जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और बिजनेस सूखना शुरू होता है, जब बिजनेस सूखना वो आ जाके असर कहाँ पड़ता है, एमडी की पॉकेट में, जो हम लोगों को समझ नहीं आता। जब बिजनेस सूखता है, डाउन होता है, ठप होता है, तब समझ आता है यार मेरा वो बंदा चले गया, वो बंदा चले गया, वो बंदा चले गया, क्योंकि 90% सर एम्प्लॉयमेंट ही बिजनेस करती है ना। अब मैं अपनी बात करूँ सर, मैं तो पूरे दिन बैठता नहीं, तो मेरे पास 30 बंदों की टीम है, मेरा मैनेजर है, अकाउंटेंट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर रिलेशन मैनेजर है, तो सबका अपना अपना रोल है। अगर आज मेरा कस्टमर आएगा तो पहले एडवाइजर अटेंड करेगा, एडवाइजर पूछा सर आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, वो लिखता है, कस्टमर बोलता सर ये प्रॉब्लम है, अच्छा वो जाएगा, फिर वो जाएगा सुपरवाइजर के पास, जॉब को देखता है सुपरवाइजर मेरी गाड़ी में ये काम होना, वो टिक करता है, पहले हुआ कि नहीं वो क्रॉस चेक करता है, फिर वो मैनेजर के पास आता है सर अब बिल करो गाड़ी का, अकाउंटेंट पेमेंट लेता है, बिल करता है, मैनेजर गाड़ी चेक करता है, CRM से मिलाता है, कस्टमर जो CRM है वो कस्टमर से मिलती है, उसको विश्वास दिलाती है कि आपकी गाड़ी में काम प्रॉपर तरीके से ठीक हुआ है और उसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, कस्टमर हैप्पी हो जाएगा और वो जो बाकी की टीम है सबके रोल प्ले हुए। जब रोल प्ले होते हैं, जब उनकी अपने क्या कहते हैं उसको मानसिकता जो पैसे की है या आपकी पोस्ट की है जब वो पूरी होती है, तो अगले बंदे को फील होता है कि यार हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं हमारा कोई रेपुटेशन है, जो चीज़ हम आम देखते नहीं है। और जब आपका एम्प्लॉय ही ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो आप ग्रोथ कैसे करोगे? चलो अंत में कोई आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा सर कि हमारे साथ जो हमारा विजन ऑटोमेटिक ग्रुप है, आपको हमारे लिए कोई भी ऐसी इंक्वायरी हो, कोई भी किस्म का अपने बिजनेस खड़ा करना हो, या आपको समझ नहीं आ रही हो, या आपको फंडिंग की प्रॉब्लम हो, किसी भी रिलेटेड पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त समझ लो, भाई समझ लो, आपकी हेल्प जरूर करूंगा जितनी हमसे हो पाएगी। उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल की इंक्वायरीज है तो वो भी हम आपका लोन प्रोसेस करवा के देंगे, ताकि आप एटलीस्ट गवर्नमेंट सर्विस ही सब कुछ नहीं है, आप अपने आप में झांको, अपना प्लस पॉइंट ढूंढो, फिर आगे बढ़ो। और मेरे ख्याल में ऐसा अपने आप से बेटर आज के लिए कोई नहीं है, इससे ज़्यादा हम आपसे क्या बोलेंगे। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। एक प्रयास था हमारी तरफ से कि आपको सही जानकारी दी जाए कि किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू में टैलेंट नहीं, मैं शुरुआत में भी कहा कि जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम भी जम्मू से ही हैं, बाहर से तो आए नहीं, लेकिन यहाँ पर कई सारे लूप होल्स हैं, गाइडेंस नहीं है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो कई बार जिन कंपनीज में आप काम करते हैं वो कंपनी ही अपने हाथ पीछे खींच लेती है,
उन्हें भी टेक्निक नहीं है कि किस तरह से ग्रोथ करनी है, और धीरे 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 करके 5-10 साल के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, और बाद में वो भी रोते रहते हैं, ये भी रोते रहते हैं, और आउटपुट क्या है, पूरा समाज जो है धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ता है। तो इस समय स्थिति जो है वो जम्मू जम्मू की, खासकर कश्मीर के लोग अवेयर हैं, उनको समझ है कि कैसे क्या करना है, लेकिन जम्मू के लोग काफ़ी पीछे हैं। तो थोड़ा इस डायरेक्शन में सोचा जाए, और अगर आपको लगे कि कोई गाइडेंस चाहिए तो आप अश्विनी जी की गाइडेंस ले सकते हैं। लिगियाना में इनका इनकी वर्कशॉप है, यहाँ सामने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप यहाँ आकर इनसे बातचीत कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी आप इन्हें कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। बाकी इस चर्चा के ऊपर आप राय भी रखें और सोचें भी कि आपको करना क्या है, और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।